हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर अवंतिका क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था पॉलिटिकल साइंस और लगातार आपको वीडियो आ रही हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारे भाग दो तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में भाग तीन की। देखिए भाग तीन में क्या क्या है, उस सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाग तीन है क्या, तो भाग तीन में बच्चों है हमारा मौलिक अधिकार। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग जो है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इस क्लास के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार की। जानते हैं कि भारतीय संविधान ने हम लोगों को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। मौलिक अधिकार भाग तीन में है, संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के अगर उद्देश्य की बात करें तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना। आपको ये बहुत पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना, ठीक है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार हमने जो है यूएसए से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रहेगी बात। तो मौलिक अधिकार भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35, उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना। मौलिक अधिकारों को लिया गया यूएसए से और मौलिक अधिकारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरात्मा कहा था, लेकिन प्रस्तावना को कहा जाता है वैसे संविधान की आत्मा, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन डाउटफुल है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहते हैं मौलिक अधिकार को। अगर कह दे कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को। क्लियर हो गई बात। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कन्फर्म होने चाहिए। अच्छा, अब बात ये आती है कि सपोज करो मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। मौलिक अधिकार क्या होते हैं भाई, हमारे स्वच्छ वातावरण का अधिकार, नेट चलाने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार तो हैं। तो अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या करें, तो याद रखना ऐसी स्थिति में हम लोग जो है अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात को लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कि दोनों के दोनों कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 32 है। हाई कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 226। क्लियर हो गई बात, कंफर्म रहेगी आप लोगों को कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35 है, सोर्स लिया गया यूएसए से, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना। अब ये देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार थे और कितने मौलिक अधिकार अभी हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार हमें मिले थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं देश के विकास में रोड़ा डाल रहा था। वो कैसे, जैसे सपोज करो आपका कोई खेत है और कोई हाईवे का प्रोजेक्ट पास हुआ और खेत आपके रास्ते में आ गया। अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रोजेक्ट ही रोक दे या आपसे आपकी जमीन ले। अब सपोज करो कि आप जमीन देना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके और गवर्नमेंट के बीच विवाद होगा और आप जाओगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां से आपको जीत मिलती है क्योंकि भैया वो आपका मौलिक अधिकार था। तो ऐसे में गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो फिर मजबूरी में
संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो कानूनी अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कानूनी अधिकार को भाग 12 के अंदर एक विधिक अधिकार बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, फिर है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35। कन्फर्म हो गई बात। लेकिन इनमें से इस संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है, अब इसे भाग 12 में रखा गया है और कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया या विधिक अधिकार बना दिया। भाग आर्टिकल रखा गया 300A और संविधान संशोधन कौन सा था, तो 44वां संविधान संशोधन था। याद रहेगी बात, भाग 12 कानूनी अधिकार, 44वां संविधान संशोधन आर्टिकल 300A, ये सब कुछ किससे रिलेटेड हो गया, संपत्ति के अधिकार से। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मौलिक अधिकार भारत में आए और क्या क्या हुआ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या सिस्टम रहा। तो देखो, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा या अंतरात्मा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अब बात यह आती है कि क्या वास्तव में भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए की देन थी? क्या सारे के सारे मौलिक अधिकार होते हैं ये हमने यूएसए से सीखा? क्या 1949 में जो संविधान बना कैबिनेट मिशन के तहत, क्या उसी में ही संविधान ने हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की मांग की? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार थे उनकी मांग 1931 में होने लग गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस में ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं भारत में मौलिक अधिकारों की जरूरत है। एक व्यक्ति को उतने अधिकार तो होने चाहिए जितने से वो जिंदगी जी सके आसानी से। तो 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अब से पूछा जाएगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप पेश किया था। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर जो संविधान सभा बनी थी, उससे पहले भी कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर जो संविधान सभा बनी थी, उससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, उसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप पेश कर चुके थे। यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में ही हो गई थी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि मौलिक अधिकार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही कांग्रेस में मांग चुके थे और उसी का कहीं ना कहीं ये देन भी थे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। अच्छा, सबसे पहले हमने तो भले ही यूएसए से लिए हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, लेकिन उससे पहले भी जो है फ्रांस में थे। तो मूल रूप से मौलिक अधिकार जो है वो फ्रांस के थे, उसके बाद यूएसए में थे। हमने कहाँ से ले लिए? यूएसए से ले लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो याद रखना इन चीज़ों को कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक रूप से फ्रांस, मौलिक अधिकार फ्रांस के हैं सबसे पहले, उसके बाद यूएसए के थे। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, इसलिए कितने हो गए थे? 7 हो गए थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। अब जो बात यह आती है कि मैंने आपसे कहा कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, और ऊपर से आपसे कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, तो आखिर 12 और 13 में क्या है? तो देखिए, आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 12 आपको बताता है कि आखिर राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए, होता है यूं है कि आप अगर स्टेट लिखते हो, ये वाला ऐसे लिखोगे तो हमारे राज्य की बात होती है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन चीजों की। लेकिन अगर स्टेट लिखते हो ये, तब देश की बात होती है। अब इंग्लिश में तो ठीक हो जाता है, लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ राज्य क्या बोले। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। तो देखो, राज्य में कौन कौन शामिल है? एक तो भारत की सरकार है, संसद है, राज्य की सरकार है, विधायिका है, सभी स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, जिला बोर्ड हो गई, और कुछ कंपनियां हो गई, जैसे बैंक हो गई, LIC हो गई, सेल हो गई, BHEL हो गई, ONGL हो गई, और ये सब कुछ किस पे है? राज्य में। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है आपको? आर्टिकल 12 आपको राज्य की परिभाषा देता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आते हैं आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 13 में जो है उसमें एक तो दी गई है कानून की परिभाषा, दूसरा ये कहा गया है कि संविधान बनने के ठीक पहले जो भी नियम या कानून थे वो शून्य माने जाएंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। तो यही कहा गया है कि संविधान के ठीक पहले के नियम व कानून शून्य माने जाएंगे, राज्य कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार की शक्ति को कम करती हो। और आर्टिकल 13C में क्या है? राज्य की परिभाषा है कि कानून की परिभाषा है कि कानून में जो है कौन कौन है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ABC 13A 13B और 13C, इनमें कोई भी संविधान, इनके अंतर्गत कोई भी चेंज किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये रहा आर्टिकल 13D। आर्टिकल 13D को 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तो हो गई मौलिक अधिकारों के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी। अब हम एक एक करके मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। अब बात यह आती है कि आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 14 पढ़ेंगे, फिर 15 पढ़ेंगे, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। सबसे पहले आर्टिकल 14 देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ साफ है इसमें दो बात कही गई है, एक तो कानून के समक्ष समानता की बात करता है और एक कानून के समान संरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 14 जो है किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान दिखाता है और कानून के समक्ष समान संरक्षण बताता है। तो बच्चों, इसमें एक बात है कि कानून के समक्ष समानता को पहले हम पढ़ लें। कानून के समक्ष समानता की अगर बात करें तो ये हमें मिला है ब्रिटेन से, ठीक है? और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, फिर चाहे उसके समाज में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है? तो किसी की सामाजिक स्थिति उसे उसके कानून से ऊपर नहीं ले जा सकती। तो यही कहा गया है कि इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो न्यायालय क्षेत्र में आता है। यानी कि न्यायालय क्षेत्र में वो आएगा ही आएगा, ठीक? अब इसका अपवाद भी है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, ये दोनों जो है अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए या फिर किसी भी निर्णय के लिए देश के किसी भी कार्यालय में जवाबदेह नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 में साफ साफ कहा गया है
कि भारत के राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई दंडनीय कार्रवाई ना तो प्रारंभ की जाएगी और ना ही चलाई जाएगी। यार एक सिंपल सा फंडा है, राष्ट्रपति किसी देश का प्रथम नागरिक होता है, अगर राष्ट्रपति को दंडित कर दिया जाए तो सोचो क्या माहौल रहेगा उस देश का और क्या नाम रहेगा उस देश का। तो इसीलिए राष्ट्रपति को एक अपवाद के रूप में रखा गया है आर्टिकल 14 में, उसे कानून के समक्ष समानता के दायरे में आप नहीं ला सकते, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई व्यक्तिगत गलत कार्य करता है तो जो है मुकदमा चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उससे पहले जो है उसको सूचना देनी पड़ेगी लगभग लगभग 2 महीने पहले। तो वैसे तो आप मुकदमा कर नहीं सकते, लेकिन अगर करते ही हैं, उसने कोई व्यक्तिगत ऐसा कार्यकृत्य कर दिया है तो उसकी सूचना उसे 2 महीने पहले देनी हो। क्लियर हो गई बात? तो यही कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय पर दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और यदि उस प्रकार का मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता है तो उन्हें इसकी सूचना 2 महीने पहले देनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 61 ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए व्यवस्था की गई है। अगर राष्ट्रपति कोई संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, संसद उसे हटाती है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाकर उसे हटा सकती है। तो वो जो है इस अपवाद में नहीं आएगा, उसे 2 महीने पहले सूचना नहीं देनी होगी। संसद सत्र में है तो वो उस पर महाभियोग चला सकती है, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कानून के समक्ष से समानता नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष है। साथ ही साथ है आर्टिकल 105 जो कि सांसदों के लिए है, और आर्टिकल 194 जो कि विधायकों के लिए है। तो अगर ये लोग संसद में कोई बात कहते हैं तो इसके लिए न्यायपालिका में इन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ता। तो ये रहेगी हमारी आर्टिकल 105 और 194 की बात। फिर आती है आर्टिकल 361, इसके तहत मीडिया को भी विशेष अधिकार है, किसी भी प्रश्न को पूछने का अधिकार है, इन सब बातों का। फिर अगला टॉपिक है कानून का समान संरक्षण, और कानून का समान संरक्षण हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। और कानून का समान संरक्षण में ये कहा गया है, समान संरक्षण का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी रही हो, कानून के समान संरक्षण की बात मतलब क्या हो गया, हर व्यक्ति को चाहे उसकी सामाजिक परिस्थितियां कुछ भी रही हो कानून के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन याद रखना, समान के साथ समान करेंगे, असमान के साथ असमान करेंगे, ठीक है। तो कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात समान के साथ समान व्यवहार करोगे और असमान के साथ असमान व्यवहार करो, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में एक बार साफ कही गई है कि ये गारंटी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान होगा, हाँ लेकिन समान के साथ समान होगा। अब सपोज करो एक लेडीज है, दो लेडीज है और दोनों ने क्राइम किया, ठीक है, एक प्रेग्नेंट है और एक नॉर्मल है, तो करंट की कंडीशन में दोनों को एक जैसी सजा नहीं हो सकती। जो प्रेग्नेंट है उसकी स्थिति असमान है, तो उसके बारे में जो है गवर्नमेंट को ख्याल रखना होगा। ऐसी कंडीशन में उसने साफ साफ कहा है कि हम समान के साथ समान करेंगे, असमान के साथ असमान नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये आर्टिकल 14 आपको याद रह जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विधि का शासन। तो विधि का शासन हम किस में रहेंगे फिर? आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 14 में हमने देख लिया कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है और कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन समान के साथ समान करेगा और असमान के साथ असमान करेगा। कानून के समक्ष समानता जो ली गई है वो ब्रिटेन से, यूएसए से ली गई है। कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया है? वो ब्रिटेन से लिया है। तो इसमें एक बात और कही है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य तभी दंडित कर सकता है जबकि उसने क्राइम किया हो, उसने कोई कानून का उल्लंघन किया हो, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। साथ ही साथ आर्टिकल 14 को आप जो है संविधान संशोधन
आर्टिकल 368 के तहत भी खत्म नहीं कर सकते। फिर है आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 कहता है हमसे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और ये क्या करता है, सामाजिक समानता की स्थापना करता है। ये साफ साफ कहता है अपने 15A में, कोई भी राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब एक बात सोचिए, ठीक है, नहीं करेगा राज्य विभेद, धर्म के आधार पर भी नहीं करेगा, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान किसी के आधार पर नहीं करेगा। लेकिन एक केस है, सपोज करो एक हस्बैंड और एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और एज अ गवर्नमेंट जॉब उसे छुट्टियां मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है। अब वहां पे उसका हस्बैंड गए कि ये तो भेदभाव हो रहा है, अगर वो माँ बनने वाली है तो मैं भी पिता बनने वाला, मुझे भी छुट्टी चाहिए। तो यार ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वहां पे आप नहीं कह सकते कि आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो। तो उसे कुछ जो है विशेष परिस्थितियां मिली हुई हैं, उन परिस्थितियों में गवर्नमेंट भेदभाव कर सकती है। याद रहेगी बात, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 15B में। आर्टिकल 15B में यह कहता है कि राज्य जो है, आर्टिकल 15A राज्यों के लिए था और आर्टिकल 15B नागरिकों के लिए है कि आप भी किसी से भेदभाव नहीं करोगे, जैसे कि दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों, कुओं, तालाबों, सड़कों, इनके प्रयोग में आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। पता चल रहा है मैं एससी कास्ट का हूँ और मैं ठाकुर साहब के यहाँ गया और ठाकुर साहब कह रहे नहीं तुम इस कुएं में पानी नहीं भर सकते क्योंकि तुम एससी के हो, तो ये वाली कंडीशन जो है हम लोग अब नहीं कर सकते, पहले कभी होता था ये। अब आते हैं आर्टिकल 15C में। तो आर्टिकल 15C देखिए क्या कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। तो ये बात ठीक है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है, जैसे कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है या आंगनबाड़ी में भोजन मिलता है, बच्चों को बहुत सारी और सुविधाएं मिलती हैं, या पंचायतों में आरक्षण मिलता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, तो यह सब कुछ राज्य कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 15D में आते हैं। तो आर्टिकल 15D क्या कहता है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसमें प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग वर्गों के नागरिकों SC या ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक हो गई बात। फिर है आर्टिकल 15E, और आर्टिकल 15E ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए SC या ST के उत्थान के लिए वो जो है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या छूट संबंधी नियम बना सकता है। तो एक तरह वो भेदभाव के लिए मना कर रहा है, वहीं पे जो है वो SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना रहा है। तो उसने साफ साफ कहा है कि भैया ये पिछड़े लोग हैं, इनको आगे लाना है हमें, तो आगे लाने के सिद्धांत के आधार पर वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसा करेंगे, ऐसा करने के लिए उन्हें क्रीमी लेयर का भी पालन करना होता है। क्रीमी लेयर का मतलब वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का है, SC ST का है, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है, UPSC का अध्यक्ष है, UPSC का सदस्य है, मतलब कुल मिला के एक अच्छी पोस्ट में है, तो ऐसी कंडीशन में उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सब कुछ है, अधिकारी हो गए, इंजीनियर हो गए, कलाकार हो गए, इन सब की बात आती है, यानी कि लगभग जिनकी इनकम 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है वो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि किसी भी सरकारी पद में अवसर की समानता होती है हर व्यक्ति को। क्या होती है? राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान और निवास, इन सब के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ना तो किसी व्यक्ति से ये बोलेगा कि आप इस राज्य के हो, इस धर्म के हो, तो आप इसके लिए अयोग्य हो, ये सब कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, संसद के लिए कुछ अधिकार रख दिए गए हैं, जैसे कि अब यार सपोज करो एक व्यक्ति को, मान लो सपोज करो पोस्ट ऑफिस में निकली जॉब, अब आप हो बिहार के, ठीक है, और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो महाराष्ट्र में जाके पोस्ट ऑफिस में डाकिया की जॉब करनी है, तो ये चीज़ें बड़ी दिक्कत कर देंगी सिस्टम को। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि कुछ पोस्टों के लिए संसद को ये अधिकार दिया है कि राज्य वहाँ पाबंदी लगा सकता है कि भैया हम अपने स्टेट के ही व्यक्ति को लेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप सी की पोस्टों में ऐसा होता है,
तो याद रखना ये चीज। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। और आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो आर्टिकल 17 में जो है उपाधियों का अंत है, सॉरी ये गलत हो गया, ये आर्टिकल 18 होगा, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है और आर्टिकल 17 जो है छुआछूत विरोधी है। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। तो याद रखना आर्टिकल 16 हमें लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है, आर्टिकल 17 हमें अस्पृश्यता का विरोध करता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना, आपसे पूछा जाएगा कि छुआछूत का विरोध जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 17 के तहत। उपाधियों का अंत किस में है? तो आर्टिकल 18 में। तो देखिए हमने पढ़ लिया आज मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और 18, इनकी एक लिस्टिंग टाइप की कर लेना। आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, और आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि ना तो राज्य किसी व्यक्ति से भेदभाव करेगा और ना कोई नागरिक करेगा, यानी कि ये भेदभाव के विरुद्ध है। और आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठाकुर साहब, राय साहब, इस टाइप की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ किसी से मेजर साहब कह सकते हो क्योंकि भाई वो उसके पद के लिए है, ठीक है, किसी से वकील कह सकते हो क्योंकि वो उसके पद के लिए है, किसी को डॉक्टर कह सकते हो क्योंकि वो उसके किसी काम के लिए है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकते, राय साहब, ठाकुर साहब, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो याद रहेगा आर्टिकल 14 से 18। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहा वो समानता का अधिकार कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8006752160 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ ही साथ आप लोग याद अच्छे से कर लें, याद रहे, एक बार मैं हल्का सा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा वो मौलिक अधिकार पढ़ा, और मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा कि भाग 3 में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे कानूनी अधिकार बनाया गया, भाग 12 में रखा है, आर्टिकल 301 के तहत रखा है। तो 6 मौलिक अधिकार बच गए। अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं। मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा केवल समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आज आर्टिकल 14 से 18 है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात करता है, छुआछूत विरोधी है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ये हल्की सी लिस्टिंग अगर आप बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आप स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।